Hello everyone, this is Tanuja Gupta. Welcome to my channel and let's start a new chapter which is what biotechnology प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस. इसमें हम डिटेल में बायोटेक्नोलॉजी के जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं, कैसे वो परफॉर्म किया जाता है, क्या क्या हमें टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, उन सब की डिटेल में स्टडी करेंगे. ठीक है, सबसे पहले आज की वीडियो में मैं क्या बात करने वाली हूँ, मैं बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल के बारे में बात करने वाली हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी किस प्रिंसिपल के बेस पर काम करता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल के बारे में देखते हैं. सी क्या होता है, जब बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं प्रिंसिपल की, तो यहाँ पे दो मेन प्रिंसिपल पे ये काम करता है. वन इज कॉल्ड दी जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, एंड द अनदर वन इज कॉल्ड दी केमिकल इंजीनियरिंग. ठीक है, ओके, ये दो मेन प्रिंसिपल होते हैं. जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रिंसिपल क्या होता है, इसका मेन प्रिंसिपल यही है कि जो बाहर का फिनोटाइप है, फिनोटाइप क्या है कि बाहर का जो मॉर्फोलॉजिकल हमें जो भी दिखाई दे रहा है, तो उस फिनोटाइप में चेंजेस करना. क्या करना है, उस फिनोटाइप में हमें क्या करना है, चेंजेस करना है. अब चेंजेस क्या होगा, सी ऑलरेडी जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका पर्टिकुलर फिनोटाइप है, बट मुझे उस ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप में चेंज लाना है, मुझे उस फिनोटाइप को थोड़ा सा डिफरेंट लेना है. ठीक है, तो उस फिनोटाइप में चेंज कैसे होगा, बाय इंसर्शन ऑफ सम डिजायर्ड जीन या ऑल्टर्ड जीन सीक्वेंस. ठीक है, कोई मैंने बाहर से दूसरा डीएनए का जीन सीक्वेंस है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल दिया, तो अब उस जीन का भी एक्सप्रेशन होगा और जीन से भी कोई ना कोई प्रोडक्ट बनेगा. ठीक है, तो उसकी वजह से ये जो फिनोटाइप है इसमें चेंजेस हो जाते हैं. तो ये एक पहला प्रिंसिपल हो गया कि इस प्रिंसिपल पे काम करता है. ठीक है, सेकेंड प्रिंसिपल क्या हुआ कि चेंज तो हो गया, बट उस चेंज होने के बाद उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक केमिकल फ्री कंडीशन में, किस में, अ केमिकल फ्री कंडीशन में, यानी कि उसमें वहाँ पे कोई भी कंटामिनेशन ना हो, कंटामिनेशन फ्री हो, उस कंडीशन में उस ऑर्गेनिज्म को लार्ज स्केल पे, किस पे, लार्ज स्केल पे ग्रो कराना. ठीक है, उस माइक्रोब को क्या कराना है, लार्ज स्केल पे, जिसके अंदर ये चेंजेस हुआ उस माइक्रोब को लार्ज स्केल पे ग्रो कराकर उस पर लार्ज स्केल पे क्या बनाने हैं, प्रोडक्ट बनाने. क्योंकि अल्टीमेटली हमें तो काम सिर्फ प्रोडक्ट से, हमें माइक्रोब से काम नहीं है. माइक्रोब से जो प्रोडक्ट मिलना है, जिसको मैं अल्टीमेटली जिसमें फिनोटाइप चेंज हुआ है, उस प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कराना. अब ये प्रोडक्ट क्या हो सकता है, इट कुड बी एनी एंजाइम, ठीक है, या फिर कोई सा भी, इसमें वैक्सीन भी हो सकता है, इसके अलावा ये प्रोडक्ट कोई एंटीबायोटिक भी हो सकता है. ठीक है, डिपेंड कि हमारी क्या नीड है. फाइन, तो ये तो मेन प्रिंसिपल हो गए. ठीक है, अर्लियर के जो कन्वेंशनल मैथड यूज़ किया जाता था बायोटेक्नोलॉजी में इस तरह का एक कम्बाइंड प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसमें हम क्या करते थे, जो डिज़ायर जो जीन हमें चाहिए था, ठीक है, उस डिज़ायर जीन का तो नहीं, दो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म में क्या, सपोज इस ऑर्गेनिज्म में मुझे एक डिफरेंट फिनोटाइप चाहिए और वो डिफरेंट फिनोटाइप किस में प्रेजेंट है, इस ए ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है सपोज. ठीक है, तो हम इस कंट्रेडिशनल मेथड में क्या करते थे, ए और बी दोनों ऑर्गेनिज्म को मर्ज कराया और जो ऑर्गेनिज्म आया उसमें इसका भी क्या हुआ, इसका भी फिनोटाइप आ जाएगा. ये तो बात सही है, यहाँ तक तो हमारा पर्पस पूरा हो गया. बट क्या होता है, इस ऑर्गेनिज्म में और भी बहुत सारी जीन सीक्वेंस होंगी, वो भी यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गई, तो उस जीन सीक्वेंस से भी कोई ना कोई प्रोडक्ट बन रहा है, एंड वो प्रोडक्ट क्या है, हमारा अनडिज़ायर्ड है और कई बार वो हमारे लिए हार्मफुल भी होता है. उस प्रोडक्ट को हमें क्या चाहिए, वो नहीं चाहिए हमको, बट जब ये हाइब्रिड बन रहा है तो इस हाइब्रिड में तो सब तरह का ही मिलेगा हमें, यूज़फुल और नॉन यूज़फुल सब तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे. इस प्रोडक्ट को रिमूव करना यहाँ से या कट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए ये इतना फ्रूटफुल हमारे लिए कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल मेथड नहीं था. तो इसलिए क्या हुआ, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू क्या किया गया, नया टेक्निक लाया गया, दैट इज़ कॉल्ड दी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. ठीक है, कौन सी टेक्नोलॉजी आई, दैट इज़ दी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, एक डिज़ायर्ड जीन, मतलब कि इसमें से सिर्फ ये वाला ही जीन को क्या किया हमने, इसको ही क्या किया, इस डिज़ायर्ड जीन को ही आइसोलेट किया, इसको कॉपी किया और इस बी ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट कराया. अब इससे जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें हमारा सिर्फ डिज़ायर्ड का ही प्रोडक्ट बनेगा. ये जो दूसरा वाला था जो हमें नहीं चाहिए था, वो प्रोडक्ट हमने और पहले ही उसको कट कर दिया, उसको हमने लिया ही नहीं. ठीक है, तो इस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू हम डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को ही प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, अब इसको शुरुआत कैसी हुई, कैसे ये परफॉर्म किया जाता है, क्या इसका प्रोसेस है, उसको हम एक समराइज फॉर्म में देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले तो जो डिज़ायर्ड जीन है जो हमें इंसर्ट कराना है, जिसका हमें एक्सप्रेशन कराना है या जो हमें प्रोडक्ट चाहिए, वो डिज़ायर्ड जीन को क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं जहाँ भी वो प्रोड्यूस होता है, जिस भी ऑर्गेनिज्म से हमें उस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दो साइंटिस्ट थे, वन इज़ कॉल्ड द कोहेन, ठीक है, एंड अनदर इज़ कॉल्ड द बोयर। ठीक है, ओके, मैं इसका थोड़ी सी देर बाद बताती हूँ। उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बताती हूँ। क्या होता है अगर हम कहते हैं कि यहाँ से एक डिज़ायर्ड जीन को मैंने इस ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर कराया और हम सोच रहे हैं कि ये जीन क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट बन जाएगा, बट इट इज़ नॉट दैट मच इजी। कई बार क्या होता है, ये वाला जीन अंदर एंटर करते ही क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म बाहर के जितनी भी चीज़ें होंगी उनको क्या करता है, एज अ फॉरेन पार्टिकल रिकग्नाइज करेगा, तो ईजिली उसको एक्सेप्ट नहीं हो पाता, कई बार वो डीजनरेट हो जाता है। तो उसको डीजनरेसी से रोकने के लिए, मतलब कि ये डीजनरेट ना हो, इसके लिए क्या किया, यहाँ पर ऐसा कोई मतलब जीन जो हम बाहर से ले रहे हैं उसके साथ क्या हो, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो। ठीक है, उसके साथ उसका खुद का ओरिजिन हो और खुद ही अपने आप को रेप्लिकेट कर पाए होस्ट सेल के अंदर। सेल के अंदर तो हम इंसर्ट कराएंगे, बट उसके अंदर होस्ट पे डिपेंड ना हो कि वो उसको रेप्लिकेट करे, वो उसकी कॉपीज़ जनरेट करे, वो खुद ही अपनी कॉपीज़ जनरेट कर पाए। वो कब कर पाएगा, जब उसके पास खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। एंड यू नो इट वेरी वेल, खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन किसके पास होता है, प्लाज्मिड के पास होता है। ठीक है, क्या होता है, कोई भी एक बैक्टीरिया का सेल हुई, इसे तो खुद का बैक्टीरियल सेल का डीएनए हुआ, बट इस बैक्टीरियल सेल के पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। ठीक है, इस प्लाज्मिड के पास खुद का ओआरआई होता है। तो ये क्या करता है, सिर्फ बैक्टीरियल सेल की जो मशीनरी होती है उनको यूज़ करता है, पर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसके पास खुद का है, तो मतलब स्टार्ट करने के लिए इसको दूसरे पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लाज्मिड का ओआरआई हम लेते हैं, क्योंकि हमें खुद का ओआरआई चाहिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, प्लाज्मिड का ओआरआई लेकर और इसके अंदर हम अपना क्या करेंगे, डिज़ायर्ड जीन को इंसर्ट कराते हैं। ठीक है, उसके प्रोसेस को मैं अभी आपको बताती हूँ। उससे पहले हम देखते हैं कि कोहन ने क्या किया। कोहन वॉज एबल टू आइसोलेट दिस प्लाज्मिड। ठीक है, आइसोलेट करना उसको, एक बैक्टीरियल सेल जिसमें वहाँ प्रेजेंट है, जहाँ भी वो प्लाज्मिड प्रेजेंट है वहाँ आइसोलेट करना और उसके अंदर डिज़ायर्ड जीन इंसर्ट करा के फिर वापस से उसको होस्ट सेल के अंदर डालना, तो वापस उसको इंसर्ट करना। तो कैसे आइसोलेट करना है, कैसे इंसर्ट करना है प्लाज्मिड को, वो टेक्निक क्या करी, कोहन ने डेवलप करी। ठीक है, ओके। एंड बोयर ने क्या बताया, रिस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, ओके, बोयर ने बताया कि कुछ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं जो हेल्प करते हैं इस पूरे प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, वो हम देखेंगे कैसे हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये एंजाइम किससे आइसोलेट किया गया, दिस वाज आइसोलेट फ्रॉम द ई कोलाई। ओके, तो कोहन एंड बोयर ने अलग अलग टेक्निक बताई। लेटर ऑन इन दोनों ने आपस में हाथ मिला लिया, मर्ज हो गए और दोनों ने कंबाइंड होके, एक के पास एक टेक्निक थी, दूसरे के पास दूसरी टेक्निक थी, दोनों को कंबाइन कर कर और ये सक्सेसफुली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। ठीक है, अब हम डिटेल में देखते हैं कि एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एक रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है, कैसे हम उसको में हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। लेट्स हैव अ लुक। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले तो क्या किया, जैसा कि हम जानते हैं कि कोहन ने क्या किया, एक प्लाज्मिड वेक्टर, प्लाज्मिड यहाँ पे क्या है, प्लाज्मिड इज एक्टिंग एज अ वेक्टर, क्योंकि यही क्या कर रहा है, एक तरह से जीन को लेकर होस्ट सेल के अंदर ले जाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये तो कोहन ने बताया कि प्लाज्मिड निकाल लिया और इसके साथ ही हमने क्या लिया, जो भी हमारा फॉरेन डीएनए है, फॉरेन डीएनए यानी कि क्या हुआ, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसका मुझे इंसर्शन कराना है और इसका मुझे प्रोडक्ट चाहिए, इसका मुझे प्रोडक्ट लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कराना है। ठीक है, इन दोनों को लिया एंड दे बोथ आर ट्रीटेड विद एंजाइम, जो बोयर ने बताया दैट वाज एंजाइम इज कॉल्ड द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, RE। अब ये एंजाइम क्या करता है, इसका क्या रोल है, सी ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को रिकग्नाइज करता है, जिसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है। ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की खासियत क्या होती है कि इसको चाहे मैं इस तरफ से रीड करूं या उसको बैक से रीड करूं, दोनों तरफ से वो क्या होगी, सेम ही रीड की जाती है। जब हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में डिटेल में बात करेंगे तब मैं इस टॉपिक को और डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। अभी बस इतना ही समझो कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। रिकॉग्नाइज करने के बाद आप क्या करेगा, वो इसमें भी वो सीक्वेंस रिकॉग्नाइज किया और इसमें भी, और वहाँ पर क्या करता है, कटिंग शुरू कर देता है, यहाँ पे कट लगा देता है। दोनों में कट लगाने के बाद अब उसको क्या करते हैं, दोनों को हम मर्ज करते हैं और एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड डीएनए लाइगेज, ठीक है। तो डीएनए लाइगेज कट होने के बाद दोनों को एक साथ लिया, लाइगेज एंजाइम के थ्रू इन दोनों को जोड़ा। देखिए कैसे जुड़ेगा, अब ये इट विल बी, देखिए ठीक है, ये तो हमारा प्लाज्मिड हो गया एंड दिस इज आवर डिजायर्ड डीएनए, इट्स लाइक दिस। दोनों को यहाँ एंड पे डीएनए लाइगेज के थ्रू ये जुड़ गए दोनों, ठीक है फाइन। जोड़ने के बाद अब इसको क्या करते हैं, अब इसको हम क्या करते हैं, होस्ट सेल के अंदर एंटर कराते हैं जिसमें होस्ट सेल का खुद का भी डीएनए है, अंडरस्टूड। होस्ट सेल के पास खुद का डीएनए है और ये वेक्टर डीएनए, ये प्लाज्मिड भी उसके साथ अंदर एंटर कर गया, ठीक है। अब मैं इसको कुछ इस तरह से दिखा देती हूँ और ये प्लाज्मिड इसके अंदर एंटर कर गया, ठीक है। आपको पता होगा इसके अंदर अपना खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, तो उसको डिपेंड ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ क्या करता है, होस्ट सेल के पास खुद के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और डीएनए पॉलीमरेजेस, आई राइट हेयर क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंड न्यूक्लियोटाइड्स, सिर्फ वो उनको यूज़ करता है, ताकि आपको पता भी है कि आगे अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल भी बनेगा तो उसको न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, ठीक है। तो वो इसके अंदर क्या करता है, होस्ट सेल के साथ होस्ट के डीएनए के साथ साथ खुद को भी बहुत बार रेप्लिकेट कर देता है। सो इट विल बी लाइक दिस, ठीक है, कि ये क्या है, एक होस्ट सेल है और इसके अंदर ये वाला होस्ट सेल का तो डीएनए है ही, इसके साथ ही क्या हो रहा है, यहाँ पर बहुत सारी वेक्टर सेल की भी कॉपी बन गई, ठीक है। और उसके साथ ही हमारा जो डिज़ायर्ड डीएनए है उसकी भी कॉपीज़ बन गई बहुत सारी, ठीक है। बनने के बाद अब इसको किया जाता है, एट लास्ट इन सबको आइसोलेट कर लिया जाता है, सारे चीज डिज़ायर्ड डीएनए को और जीन को आइसोलेट करके, और उसको लार्ज स्केल पे इससे क्या किया जाता है, प्रोडक्ट बनाया जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आई होप यू आर क्लियर विद दिस कि कैसे ये जो पूरा प्रोसेस है वो परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा दो चीज़ और मैं आपको इसमें बात करना चाहूँगी। द फर्स्ट वन इज़ आरडीएनए एंड द सेकेंड वन इज़ सीडीएनए। दो टर्म्स हैं, लेट्स डिस्कस इट लिटिल बिट, उनके कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। सी, एक को हम बोलते हैं आरडीएनए एंड अनदर वन इज़ कॉल्ड द सीडीएनए। क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए और इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज द डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जबकि ये क्या होता है, इट इज सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ठीक है। सेकेंड इज, इसमें जो डबल स्टैंडर्ड, इन दोनों में ही दो डीएनए सोर्स होते हैं, ठीक है। डीएनए जो है इसके अंदर टू सोर्सेज होते हैं कि दो अलग अलग जगह से, एक डीएनए एक अलग जगह से आया, दूसरा डीएनए दूसरी जगह से आया, जबकि यहाँ पे क्या होता है, एक सिंगल सोर्स ही होता है, एक सिंगल सोर्स से ही डीएनए आता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो सिंगल सोर्स होता है वो क्या होता है, एमआरएनए। तो यहाँ पे क्या होता है, एमआरएनए से एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनता है। आरएनए, आपको पता होगा कि इन्फॉर्मेशन हमेशा फ्लो होती है, जैसे कि डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, राइट। बट यहाँ पे क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है कि आरएनए से क्या बनाया जाता है, डीएनए बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ वन एंजाइम दैट इज कॉल्ड द आरटी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो ये एंजाइम वापस बना देता है, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। जबकि यहाँ पे कौन सा एंजाइम लिया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, दैट इज कॉल्ड डीएनए लाइगेज, और ये क्या करता है, दो अलग अलग डीएनए को कंबाइन कर ही क्या बना लेता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेता है। समझ में आ रहा है कि वेक्टर डीएनए है और एक हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, दोनों को कंबाइन किया किसके हेल्प से, डीएनए की हेल्प से, और उसी की वजह से क्या बना हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया. इट्स लाइक दिस. सपोज ये वाला रेड कलर है, so it's like this. Understood? So this is the difference between rDNA and cDNA. I hope कि बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रिंसिपल है वो आपको क्लियर होगा कि कैसे एक किस प्रिंसिपल पे बायोटेक्नोलॉजी किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके डिटेल टूल्स के बारे में कि आप बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या टूल्स के यूज़ आते हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो यहाँ तक बस इतना ही. इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ पुट योर क्वेरी इन दी कॉमेंट बॉक्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.